नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज फिर चर्चा करते हैं रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन के बारे में। जैसा कि डिफरेंट हाई कोर्ट और डिफरेंट हमारे कोर्ट द्वारा स्टे इंटरिम रिलीफ मिल रही है, उसी क्रम में एक केस हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद से मेन केस पिटीशन 32240 ऑफ 2024, जिसका फैसला, जिसका आर्डर 20 नवंबर 24 को आया। एसपीजे एंड आरआरएनजे पार्टीज थ्रू देयर काउंसिल लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स इन्फॉर्म्स दैट पंजाब एंड हरियाणा, केरला, इलाहाबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट्स हैव ऑलरेडी ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू द पिटिशनर्स पब्लिक पेंशनर्स वेयर इन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैलेंज। कंसिडरिंग द ऑर्डर्स ऑफ दीज कोर्ट्स रिस्पेक्टिवली टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नो रिकवरी टू बी मेड फ्रॉम द कम्यूटेड पेंशन ऑफ द पिटिशनर्स विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट काउंटर टू बी फाइल्ड विद इन 3 वीक्स लिस्ट विथ डब्ल्यू प्रिट पिटिशन ऑफ 24 एंड बैच 11 December 2024 फॉर एनालॉगस हियरिंग। इट इज इन्फॉर्म दैट अग्रीव्ड बाई द सिमिलर इम्पंस्ड ऑर्डर्स एक्शन ए सिजेबल नंबर ऑफ पिटिशन आर बींग फाइल्ड बाई रिटायर्ड गवर्नमेंट इम्प्लाइज एवरी डे फ्यू न्यू सिमिलर केसेस कम अप अगेंस्ट द सेम ऑर्डर्स इम्पंस्ड ऑर्डर एक्शन इज सेम इन ऑल दिस मैटर्स इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स वी डीम इट प्रॉपर टू पास एन ऑर्डर इन रेम बाई डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट टू एक्सटेंड देयर एक्सटेंड सिमिलर इंटरिम प्रोटेक्शन विच इज बींग प्रोवाइडेड टूडे टू ऑल द सिमिलरली सिचुएटेड रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेदर आर नॉट सच सिमिलरली सिचुएटेड रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फाइल पिटीशन दे शैल बी इंटाइटल्ड फॉर सिमिलर इंटरिम प्रोटेक्शन copy of this order be provided to learned government council with request to communicate this order to all the concerned authorities for its strict compliance। कोर्ट ने यह कह दिया कि ऐसे सभी all the similarly situated retired of state government employee whether or not such similarly situated state government employees filed petitions दे शैल बी इंटाइटल फॉर द सिमिलर इंटरिम प्रोटेक्शन। यानी कि वो सभी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाइज हैं उनको इस संबंध में प्रोटेक्शन दिया जाए, इंटरिम रिलीफ दिया जाए, जो सूट भी नहीं, जिन्होंने सूट नहीं भी फाइल किया है। ये हाई कोर्ट का जो आदेश है एक दूरगामी आदेश है, ये सोचकर कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे बैंकर्स, जो विभिन्न हाई कोर्ट्स में जाके अपनी बातें रख रहे हैं और सिमिलर केस होने के मारे उन्हें इंटरिम रिलीफ मिल रही है। इतना कोर्ट का आदेश आया स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, कैट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कैट ने भी, कैट मुंबई ने भी आदेश दिया। ये सारे कुछ होने के बावजूद भी यू बी यू लीडर्स के तरफ से एक भी बात भनक नहीं आई कि वो बैंकर्स के पक्ष को रख लेते हुए ये आईबीए से बात करें कि सिमिलर केस में इंटरिम रिलीफ मिले। अगर कोर्ट जो फाइनल जजमेंट देगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन किसी भी नेता की तरफ से एक शब्द इस संबंध में, कोई बयान, कोई स्टेटमेंट एकदम चुप्पी साधे रखा है। हाँ, आपसे ले भी लेना होगा तो सारे नेता कौओं की तरह आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके तिजोरी से पैसा निकाल के ले जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।